हे गाइस, वेलकम बैक टू वीके व्लॉग। तो गाइस, सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो चुके हैं और आया आज को भी स्कूल छोड़ आए हैं। हाँ, तो ब्रेकफास्ट भी हम कर चुके हैं। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक भारतीय जुगाड़। जिन लोगों के पास घर पर लोहे के पैर वाली चारपाई है और जिनके घर में टैल या फर्श हो रखा है, तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम चारपाई को थोड़ा खिसकाते हैं तो नीचे ना लाइन खींच जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है या कुछ वाइट कलर की हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि टाइल किस कलर की है या फर्श किस कलर में हो रखा है। तो उसी से बचाने के लिए मैं आपको एक जुगाड़ शेयर कर रहा हूँ। तो यदि आपको पसंद आए तो आप भी अपने घर पे अप्लाई कर सकते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, उसके बाद आपका फर्श रहेगा चकाचक। मैंने ये कुछ प्रॉब्लम फेस किया है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोग इस प्रॉब्लम को फेस ना कर पाए। गाइस, ये देखिए फर्श ये काला पड़ रहा है। काला इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ना ये चारपाई के पैर है ना, तो ये थोड़ा यहाँ पे घिस जाते हैं, तो हम थोड़ा बहुत खींचते हैं इधर उधर से। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस हो रही है, तो इसी को रिजोल्व करने के लिए मैं आपके लिए एक सिंपल, सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ लेकर आया हूँ। तो आई होप आपको ये जुगाड़ जरूर पसंद आएगा, और यदि जुगाड़ आपको पसंद आए तो ब्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलो करते हैं अपने जुगाड़ की तैयारी। A few moments later. तो गाइस, इस ट्रिक के लिए आपके पास सबसे पहले तो ये बोतल होनी चाहिए। कोई भी कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं तो बोतल का साइज लगभग ये होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपकी चारपाई के पैर का साइज क्या है। तो जो मैंने अभी चारपाई शेयर की उसका साइज लगभग इन बोतलों के समान ही है। तो आपके पास ये बोतल होनी चाहिए और ये चक्कू होने चाहिए। चक्कू किसी भी तरह का हो सकता है, किसी के पास पहना है तो उससे काम चल जाएगा। और भाई का आपके पास गैस भी होना चाहिए, यदि आपको थोड़ा स्मूथ तरीके से कट करना है इन चीज़ों को। तो हम क्या करेंगे, इन चक्कू को गर्म करेंगे, ये बहुत ही हल्की गैस पर गर्म करने हैं। पुराना चक्कू भी तो हमारा वो पता नहीं कहाँ गया, नहीं तो उससे काम हो। तो गाइस, मैंने एक पुराने वाला चक्कू ले लिया है क्योंकि ये पहले से ही खराब हो चुका है, तो इसी की सहायता से हम करेंगे। अब ये देखिए, ये बोतल तो मैं पहले ले लेता हूँ सेम साइज। वैसे तो सभी बोतल मेरे पास है ना, बहुत सारी हैं, देखिए जितने पैर उतनी बोतल चाहिए। तो जैसे ही हमारा चक्कू गर्म होता है तो सीधा चलाना है। तो ये देखिए, एक ये बोतल का ये तैयार हो चुका है एक पैर के लिए। पौधे लगाने के शौकीन है और अपने घर में पौधे लगाना चाहता है, तो उसमें मिट्टी भर के इतना, तो इसमें आराम से पौधे इस तरह से आप खड़े कर सकते हैं। और मतलब कि इसमें कुछ यहाँ पे आपको एक या तो लकड़ी का कुछ भी बना सकते हैं, मतलब कि ये लकड़ी का लोहे का, या फिर मिट्टी में से इतना गाड़ सकते हैं, मिट्टी लेके इतना गाड़ दो, पौधे एकदम अच्छे चलेंगे और मस्त रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो गमले की जरूरत भी नहीं है। तो ये देखिए मेरे पास हो गई पूरे 5 येलो, 5 ये और 5 गिलास, ये देखो। तो आप भी लोग भी ऐसे जुगाड़ करते रहो, ना पैसा खर्च हुआ ना कुछ, बस थोड़ी सी मेहनत है। और कोल्ड ड्रिंक तो लगभग सभी लोग पीते हैं, हमारे जैसे तो नहीं है कि कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता है, तो लगभग मोस्टली सभी लोग पीते हैं। तो भैया बोतल सबके घर पे मिल ही जाएगी, तो उस बोतल का यूटिलाइज करें। कैंडल ले लेनी है और एक खराब कपड़ा।
आई नो हो गाइस, एक कैंडल तो हुई खत्म, हम यूज करते हैं दूसरी कैंडल। आज का मेरा जुगाड़ कैसा लगा? जुगाड़ अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो ठीक है, मिलते हैं एक और नई दिन, एक और नई शानदार स्वाद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।